सौ so, देवताओं को चुनाव करना था कि पृथ्वी पर हम देह धारण करें पृथ्वी पर देह धारण करें सौ so, देवता उनको दो ऑप्शन दिए गए कि जो भी देह आप धारण करोगे उस देह में उल्टी सीधी फीलिंग्स उठेगी उल्टी सीधी फीलिंग्स उठेंगी एक ऑप्शन में यह है दूसरे ऑप्शन में क्या है उसमें उल्टी सीधी फीलिंग्स नहीं रहेंगी दोनों में से कौन सा चाहिए मगर एक पॉजिटिव बात यह है कि उल्टी सीधी फीलिंग्स जिस बॉडी में उठेंगी उस देह में तुम अथा खजाना अथाह खजाना याद कर पाओगे जो उस देह में है जो खजाना उस देह में होगा उसको तुम याद कर पाओगे अगर तुमने वो चुनाव किया कि उस बॉडी में जहां उल्टी सीधी फीलिंग्स दुख सुख की फीलिंग्स उठेंगी उस देह में यह होगा और दूसरी जो बॉडीज है उनमें वो अथा खजाना आप याद नहीं कर पाओगे भूल जाओगे ये ऑप्शन मर दुखद फीलिंग से बच जाओगे इमोशन से लोग परेशान हैं ना दुखद इमोशन से बच जाओगे दुख की फीलिंग से बच जाओगे तो पचास देवताओं ने चुनाव किया कि हम ऐसी बॉडी का चुनाव करेंगे जिसमें उल्टी सीधी फीलिंग्स नहीं है आनंद लेंगे सब बाकी पृथ्वी का पृथ्वी लोग का उन्होंने चुनाव किया और दूसरे पचास लोगों ने उन देहों का जिसमें उल्टी सीधी फीलिंग्स होंगी मगर अथाह खजाने का दर्शन होगा याद आएगी तो जिन्होंने ये चुनाव किया अथाह खजाने को याद करने का उनको क्या मिला मनुष्य देह इंसान का जन्म और जिन्होंने चुनाव किया कि ऐसी फीलिंग नहीं चाहिए उनको क्या मिला जानवर का जन्म आप सबको बधाई हो।, <laughs> सब हो आप सबको बधाई हो आपने कौन सा चुनाव किया आपने इंसान की देह का चुनाव किया इसलिए आपको बधाई कहा और गुड न्यूज भी है एक आप देवता थे गुड <laughs> न्यूज भी है तो अब ये हो चुका है तो इन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो फॉलो करो अंडरस्टैंड फॉलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पृथ्वी की क्या है पृथ्वी पर इंसान आता है एक चीज है जो पृथ्वी पर ही डेवलप हो सकती है वो क्या है धीरज धीरज को डेवलप करना है तो पृथ्वी पर ही संभव है क्योंकि वहाँ जिस रफ्तार से चीज़ें डेवलप होती हैं एक समय लगता है आप चाहते हो मैं डॉक्टर बनूं तो एक समय बीच में लगता है आप चाहते हो मैं हरदम खुश हो जाऊं एक बीच में समय है आपको समझना है तो धीरज रखना है आधी रात को नींद खुल गई नींद आ नहीं रही है सुबह तक आपको धीरज रखना होता है पृथ्वी पर ही ये संभव है तो इसलिए कहा जाता है कि देवता भी मनुष्य देह प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उनमें भी धीरज नहीं होता वो भी श्राप दे देते हैं, वो भी अपने शब्दों में फंसते रहते हैं ऐसी कहानियां आप सुनते रहते हो क्यों पृथ्वी पर ही धीरज डेवलप करना यानी ये इंसान का सार्थक सबक है पृथ्वी पर कौन से सबक सीखने आया है उनमें से एक धीरज है इस संदेश के बारे में अपने विचार अभिप्राय जरूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है मेल एट द रेट तेज ज्ञान डॉट कॉम